अनंत देव इस समय सकते में आ गए हैं जब उन्होंने सुना कि एक भाई अपनी छोटी बहन के साथ रेप करना चाहता है और इस बात पर का विरोध किया जाता है तो माँ और बहन दोनों को बेरहमी से पीटता है। पहले तो उन्हें इस पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाली बात पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब पूरी कहानी परिवार के बारे में जाना तब उन्होंने कार्रवाई के लिए आदेश दिए। बाबूपुरवा क्षेत्र का है मामला। एसएसपी अनंत देव के अनुसार एक महिला जो दो बेटे और तीन बेटियों की मां है, छोटी बेटी जो नाबालिग है 17 वर्ष की है, उसको लेकर उनके सामने पेश हुई। महिला ने आरोप लगाया कि उसका बेटा अपनी ही छोटी बहन के साथ दुष्कर्म की कोशिश कर रहा है। वह कई बार इस तरह की कोशिश कर चुका है। विरोध करने पर वह दोनों के साथ मारपीट करता है। पहले तो उन्हें लगा कि क्या भाई बहन के साथ दुष्कर्म की कोशिश कर सकता है। इस सवाल पर जब एसएसपी ने महिला को कुरेदा तो उसने रोते हुए एसएसपी को पूरी कहानी बयान की। महिला के साथ भी हो चुका है बलात्कार। इस तरह के रिश्तों को कलंकित करने का मामला उस परिवार में पहला नहीं है। महिला का कहना है कि असल में उस खानदान में औरतों की इज्जत ही नहीं होती। वर्षों पहले उसके ससुर ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया था। वह लाख रोई चिल्लाई लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। नरक जैसी जिंदगी काटी है उसने। वह बेटी का घर बसाना चाहती है और जब उसके निकाह की बात शुरू हुई तो बेटे का जुल्म और बढ़ गया है। मामले को सुनने के बाद एसएसपी अनंत देव ने इस मामले में सीओ कलेक्टरगंज श्वेता यादव को जांच सौंपी है। जांच के बाद पता चलेगा कि आखिर हकीकत क्या है।